हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 21st ऑफ नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस पीएम मोदी विल सेलिब्रेट ब्रजराज उत्सव इन उत्तर प्रदेश ऑन 23rd ऑफ नवंबर 2023। आपसे पूछा जा रहा है 23rd नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर ब्रजराज उत्सव मनाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं मेरठ, मथुरा, लखनऊ या फिर आगरा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रजराज उत्सव का आयोजन मथुरा में किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द ब्रजराज उत्सव इन मथुरा ऑन 23rd ऑफ नवंबर, वेयर ही विल ऑल्सो विटनेस अ प्रेजेंटेशन बाई हेमा मालिनी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मीराबाई। संत मीराबाई फेस्ट मार्किंग हर बर्थ एनिवर्सरी विल बी सेलिब्रेटेड प्रोमिनेंटली फ्रॉम 23rd ऑफ नवंबर टू 25th ड्यूरिंग द ब्रजराज उत्सव। तो आप ध्यान रखेंगे, ये मीराबाई की 525वीं जयंती है और इसके उपलक्ष्य में जो ब्रजराज उत्सव है उसका आयोजन मथुरा में किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2023। आपसे पूछा जा रहा है विश्व बाल दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं टाइम टू फोकस ऑन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कोविड-19 ऑन आर यंग वंस, सेकंड अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, थर्ड इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड या फिर फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। आपको विश्व बाल दिवस का विषय बताना है क्या है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इस वर्ष की थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। आप यहाँ देख सकते हैं, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1954 एज यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑन द यूनाइटेड नेशंस वेबसाइट नवंबर 20 इज एन इम्पॉर्टेंट डेट एज इट इज़ द डेट इन 1959 व्हेन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड। आपने देखा इस वर्ष की थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट एंड अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज द डे फॉर चिल्ड्रेन बाय चिल्ड्रेन। तो आप ध्यान रखेंगे विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20th of November को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इज टिपिकली यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है, भारत में बड़ी रकम के हस्तांतरण के लिए आमतौर पर किस इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं नेफ्ट, एटीएम, आरटीजीएस या फिर एमआईसीआर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रणाली का नाम है आरटीजीएस। आप यहाँ देख सकते हैं RTGS जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये एक पेमेंट सिस्टम है दैट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी इन इंडिया एंड इट अलाउज फॉर रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। इसके साथ ही अगर अदर जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम्स हैं उनकी बात करें तो उनमें शामिल है नेफ्ट जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर RTGS और IMPS जिसे इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विंस बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज इन नवंबर 2023। आपसे पूछा जा रहा है नवंबर 2023 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल या फिर तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बेस्ट स्टेट इनलैंड फिशरीज का अवार्ड दिया गया है इस वर्ष उत्तर प्रदेश को। आप यहां देख सकते हैं उत्तर प्रदेश हैज वन एन अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरीज एंड वुड रिसीव इट ऑन टुडे ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 जिसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में 21st और 22nd ऑफ नवंबर को।
21 नवंबर की बात करें तो इसको वर्ल्ड फिशरीज डे के रूप में मनाया जाता है। एंड एज ऑफ नाउ 31 प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इन यूपी। टू एस्टैब्लिश द स्टेट एज अ फिशरीज हब एन अल्ट्रा मॉडर्न फिश मॉल वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन इन चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 62 करोड़ रुपीज। तो आप ध्यान रखेंगे, एक अल्ट्रा मॉडर्न फिश मॉल भी बनाया जा रहा है चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी कॉस्ट है 62 करोड़ रुपीज। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 31 प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हाउ मेनी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स आर मिसिंग, आपसे पूछा जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने केंद्रीय संरक्षित स्मारक गायब हैं? आपके ऑप्शंस हैं 10, 20, 50 या फिर 100। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने एक रिपोर्ट संसद में पेश किया है, जिसमें बताया गया है कि 50 जो स्मारक हैं, संरक्षित स्मारक, वो गायब हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अ सबमिशन मेड इन पार्लियामेंट बाई द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, 50 आउट ऑफ 3693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स आर मिसिंग। एंड द मिसिंग मोन्यूमेंट्स इंक्लूड 11 फ्रॉम उत्तर प्रदेश, 2 ईच इन दिल्ली एंड हरियाणा, एंड अदर स्टेट्स विच आर इन दिस लिस्ट आर असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सो एज पर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 14 ऑफ दीज मोन्यूमेंट्स हैव बीन लॉस्ट टू रैपिड अर्बनाइजेशन, 12 आर सबमर्स्ड बाई द रिजर्वॉयर्स और डैम्स, एंड द लोकेशंस ऑफ रिमेनिंग 24 आर अनट्रैकेबल। तो आप ध्यान रखेंगे, 50 टोटल मोन्यूमेंट्स गायब हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है 11। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑर्गेनाइजेज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा फेस्टिवल, आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर केरला। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला राज्य है उड़ीसा। आप यहां देख सकते हैं, धनु यात्रा फेस्टिवल कंसीडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर बिगेन इन द वेस्टर्न ओडिशा टाउन ऑफ बारगढ़, एंड दिस फेस्टिवल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन बारगढ़ इन 1947 एंड 48 एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस, एंड इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली। इसके साथ ही एपिसोड्स रिलेटेड टू हिंदू गॉड कृष्णा इज प्रेजेंटेड थ्रू फोक आर्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किल स्विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, व्हाट इज इट, आपसे पूछा जा रहा है। हाल ही में समाचारों में एक टर्म देखा गया है जो है किल स्विच, आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है। आपके ऑप्शन हैं प्लैनेट इन आउटर गैलेक्सी, कैन इलिमिनेट कैंसर सेल्स, AI टूल या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। आपको किल स्विच के बारे में बताना है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये संबंधित है कैंसर सेल्स के एलिमिनेशन से। आप यहाँ देख सकते हैं, साइंटिस्ट्स फ्रॉम यूसी डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर इन कैलिफोर्निया हैव मेड अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू बाय डिस्कवरिंग अ किल स्विच दैट ट्रिगर्स द डेथ ऑफ द कैंसर सेल्स। द रिसर्चर्स आइडेंटिफाइड अ प्रोटीन ऑन अ रिसेप्टर जिसका नाम है CD95 या फिर FAS, विच कैन बी डिजाइंड टू इंड्यूस सेल्फ डिस्ट्रक्शन इन कैंसर सेल्स व्हेन एक्टिवेटेड। तो किल स्विच के माध्यम से जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको मारा जा सकता है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।